सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के प्राइम टाइम समाचार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पत्र दर्शक सुविचार माला के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से, देखेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। बीच रही है लोकसभा चुनाव की चुनावी बिसात, चुनावी दाव पेचों का दौर हो गया शुरू। अकाली बारिश मचा रही भारी तबाही, जनजीवन पर पड़ा असर, कृषि फसल हो रही बर्बाद, सभी की नजरें आसमान की ओर। मनपा के अर्थसंकल्पीय आम सभा में पेश हुआ 549.61 करोड़ का प्रारूप बजट, वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट को आम सभा ने किया मंजूर। हीरपुर के श्री जैन मंदिर में संपन्न हुआ आदिनाथ भगवान निर्वाण एवं मानस्तंभ शिलान्यास समारोह, समारोह में किया गया चंदू सुजितिया का हृदय स्पर्शी सम्मान। शहर भर है अवैध होर्डिंग्स की भरमार, लगता है शहर में आई हो बैनर बोर्डों की बाढ़। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2014 की सरगर्मियों की हवा तेजी से बहना शुरू हो गई है। सभी का लक्ष्य है मिशन लोकसभा का गढ़ फतेह करना। इस चुनावी बिसात बिछाने की रणनीतियों पर प्रत्याशी काम कर रहे हैं। आप, राष्ट्रवादी, सेना, रिपाई के उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है, तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने पोस्टरबाजी करते चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कुछ दिग्गज प्रत्याशी जोड़ तोड़ में व्यस्त देखे जा रहे हैं। मिशन लोकसभा 2014 के सरगर्मियों की हवा पूरे तेजी से बह रही है। एक ओर मौसम का मिजाज हर पल बदल रहा है, दूसरी ओर राजनीतिक उठापटक भरी हलचलें भी हर पल बदलती देखी जा रही है। दिग्गज प्रत्याशियों के जोड़ तोड़ का दौर चल रहा है, जिसकी हवा कभी सर्द तो कभी गर्म झोंकों का एहसास करवा रही है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रवादी पार्टी ने सौ नवनीत राणा को अमरावती लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद राणा समर्थकों ने राष्ट्रवादी के झंडे लहराते हुए जल्लोष मनाया, मिठाइयां बांटी। इस घोषणा से कुछ दिग्गज प्रत्याशियों के हाथ घोर निराशा लगी है, जिन्हें राष्ट्रवादी के टिकट की आस थी। रिपाई के राजेंद्र गवई ने सर्वप्रथम राका के सीट उन्हें मिलने का दावा भरे पत्रकार परिषद में किया था, इसलिए सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया लेना प्रासंगिक था। जब उनसे इस बाबत छेड़ा गया तो सुनिए उन्होंने किन शब्दों में अपनी बात रखी। मला असं म्हणायचं होतं की आपल्याला राष्ट्रवादीकडून तिकीट मिळणार होती गुरुजी। हां भेटणार होती ना, पण ती काय रवी नवनीत राणाला डिक्लेअर झाली। आता पण काय करणार, धोका दिला आंबेडकरी समाजाला। मला ते मला तिकीट द्यायला तयार होते, परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा सदस्य म्हणून नाही, म्हणजे त्यांना मी चालतो, बाबासाहेब आंबेडकरांचा पक्ष चालत नाही। अच्छा, म्हणजे त्यांनी मला धोका दिला नाही, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना धोका दिलेला आहे। मग आता आपण काय करणार, स्वबळावरती लढ रे, स्वबळावर लढणार रिपाई 100%। आणि या ट्रायंगुलर फाईट मध्ये पुढचा खासदार मी आहे। चला शुभेच्छा तुम्हाला। आणि आणखी काही सपोर्ट वगैरे कोणा पक्षाचा वगैरे आपल्याला? ते आताच कशाला डिक्लेअर करून चर्चा सुरू झाली आहे आमच्या, 100 लोक बसल्यात बंगल्यावरती। अच्छा, त्रिरंगी ट्रायंगुलर फाईट मध्ये पुढचा खासदार मी आहे, डोंट वरी। म्हणजे सध्या तुम्ही अपक्ष निवडणूक लढणार लोकसभेची? रिपब्लिकन पार्टी अपक्ष, अपक्ष नाही, अपक्ष नाही, रिपाईच्या तिकीटावर लढणार। राष्ट्रवादी नेतृत्व ने मेरा नहीं अपितु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया है, अब रिपाई स्वबल पर चुनाव लड़कर उन्हें सबक सिखाएंगी, यह दावा डॉक्टर राजेंद्र गवई ने किया। रिपाई की सीट पर दिनेश बुब अमरावती लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, यह हवा भी पूरे उपान पर थी, लेकिन इस हवा की भी हवा निकल गई। उनकी प्रतिक्रिया जानी तो उनका कहना रहा कि अभी पिक्चर बाकी है, वेट एंड वॉच। राष्ट्रवादीची तिकीट लोकसभेची उमेदवारी आपल्याला मिळणार अशी चर्चा होती, परंतु ते याला नवनीत राणा डिक्लेअर झालेली आहे, मग आता आपण अपक्ष लढणार की आणखी दुसऱ्या पार्टीला लढणार? चर्चा आहे आपची तिकीट तुम्हाला भेटेल म्हणून। तुम्ही
वाटपास चर्चा आहे की शहरात की आपची तिकीट तुम्हाला मिळू शकते म्हणून परंतु आपची तिकीट मला वाशिमला जाहीर झाली पण तुम्ही वाट पाहा मी वाट पाहू बरं निवडणूक लढणार हे तर निश्चित ना पण तुम्ही वाट तर पाहा सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही वाट पाहा ठीक ठीक वेट अँड वॉच कोणी डिस्टर्ब होऊ नये सर्व समोर येईल आता चला ठीक आहे तुमच्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेचं स्वागत आहे सर्व समोर येईल जे काही आहे सर्व समोर ओके ओके भाई वेट भी करेंगे और हर बदलते घटनाक्रम पर वॉच भी रखेंगे देखते हैं आगे होता क्या है एक और प्रत्याशी लोकसभा के संग्राम में जिले का चेहरा बदलने की हुंकार भरे है इनका नाम है गुणवंत देवपारे इन्होंने तो साफ ही कर डाला है कि मुझे किसी पार्टी पक्ष की जरूरत नहीं मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी सर जी राष्ट्रवादी ची तिकीट आपल्याला मिळेल अशी चर्चा होती गावात परंतु सध्या तर ते याला मिळाली आहे नवनीत राणाला मग आपण आता कोणत्या पक्षाकडून घेणार बरोबर आणि मी कॅन्डिडेट आहे बिल्कुल बिल्कुल पक्षाची तिकीट भेटली का नाही भेटली काय अच्छा अच्छा म्हणजे अपक्षाची सुद्धा तयारी आहे तुमची मी कॅन्डिडेट प्रश्न होते मला सर्व बहुजन समाजाला न्याय देण्याचं काम करायचं आहे आणि अमरावती जिल्ह्याचं डेव्हलपमेंट अच्छा बरोबर अमरावती जिल्ह्याच्या डेव्हलपमेंट करता मला समोर यायचं आहे आणि माझा आत्मविश्वास आहे प्रत्येक समाजामधून लोक माझ्या सोबत आहेत मला जातीचं कुठलंही बंधन नाही त्यामुळं मी सक्षमपणे अपक्ष म्हणून सुद्धा समोर जाऊ शकतो माझी मित्र बसपा किंवा आपची दावेदारी जर का तुम्हाला मिळाली तर घेण्यास इच्छुक राहाल का आपण नाही त्याबद्दल मी बोलणार नाही बसपा आणि आपच्या विषयावर मी बोलू कुठल्याच पक्षाने मी काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या विषयावर बोललो नाही मी आजपर्यंत बरोबर माझा साधा पेपरला सुद्धा मी असं ट्रीटमेंट दिलेलं नाही आहे का मला राष्ट्रवादी तिकीट मिळून राहिली का मी घेऊन राहिलो म्हणून मी त्या विषयावर सुद्धा बोललो नाही कारण मी इंजिनिअरच माझं काम आवडलेलं आहे म्हणजे 1000 गावामध्ये माझ्या लोकसंवाद परिषदच्या शाखा बनलेल्या आहेत जीव कार्यकर्ता वर्ग माझ्यासोबत फार मोठ्या संख्येनं आहे म्हणजे आम्ही अधिकृत रूपे घोषित करू शकतो का तुम्ही लोकसभेची निवडणूक अपक्ष रूपातही लढण्यास सक्षम आहात तयार आहात मी त्या करता पत्रकार परिषद घेणार आहे मोठा माझा एक इव्हेंट राहील ज्या इव्हेंटमध्ये अमरावती मधले 2-3 हजार लोक राहतील प्रत्येक समाज बांधव माझ्या सोबत राहील त्यावेळेस मी ते घोषित करणार आहे अब इनका दावा कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा उधर सेना से वर्तमान सांसद भी अपनी तैयारियों में व्यस्त है उन्हें लग रहा है कि मोदी की हवा ही उनकी तारनहार बनेंगी लेकिन एक बात साफ है कि अभी चुनावी रण संग्राम की तस्वीरें और बहुत कुछ दिखाएंगी बहुत कुछ सिखाएंगी मिशन लोकसभा 2014 के चुनावी गर्मी बढ़ती ही जा रही है अमरावती संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने भावना वासनिक को झाड़ू लेकर मैदान में उतारा है तो आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता बता रही आशा अभ्यंकर आपके कैंडिडेट पर झाड़ू चलाने की तैयारी कर चुकी है आशा अभ्यंकर ने एक पत्र वार्ता कर आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की भरमार होने का आरोप लगाया भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चे निकालकर बने आम आदमी पार्टी को भी भ्रष्टाचारी होने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है लोकसभा चुनाव की अमरावती संसदीय सीट पर आम आदमी पार्टी ने भावना वासनिक को चुनावी मैदान में उतारा है यह घोषणा होते ही आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता होने का दावा करते आशा अभ्यंकर ने भावना वासनिक की उम्मीदवारी पर झाड़ू चलाने का ऐलान करते खुद पर हुए अन्यायों की जानकारी जाहिर पत्रवार्ता कर दी मेरी भूमिका ये रहेगी अगर मेरे पर अन्याय हो गया इसमें मैंने बहुत बड़ा कार्य भी किया मेरे कार्य की कदर नहीं की गई इसमें मेरे साथ विश्वासघात हो गया मेरी भूमिका ये है अगर मेरे को इसमें चांस नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी से उम्मीदवारी का चांस नहीं दिया गया है तो मैं अपक्ष से मेरी लड़ाई जीतूंगी आरोप लगाया आरोप लगाया है इसका आधार क्या है इसका आधार उनके पास कुछ भी नहीं है आपके पास मेरे पास भी कुछ भी नहीं है आधार मेरे पास क्या आधार है आपने आरोप लगा दिया आधार नहीं नहीं मैं सर्विस
पर थी, आज मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ली 2007 में, आज 7 साल हो गए इस बात को। अगर मैं सर्विस पर रहती, भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पर कोई लगाता है तो मैं उसके बारे में भी पुरावा मांग सकती हूँ। अब मेरे को रिटायरमेंट हो गया, अभी 7 साल हो गए, तो मैं भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं आता ना। हाँ है ना, अगर 12-1 साल से वो अपना ऑफिस चला रहे हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट है दिल्ली में, मुंबई में उनके डायरेक्ट कांटेक्ट है। अभी अरे पहले आखिरी दिन तक उन्होंने कहा कि मेरे फॉर्म नहीं भरा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर एकदम आखिरी के दिन में उसके पिताजी बता रहे कि वो सिसोदिया जी है और वो श्रीवास्तव जी है जहाँ मुंबई के दिल्ली के, उन्होंने मेरे लड़की को फॉर्म भरने को लगाया ज़बरदस्ती से। अगर ये है ज़बरदस्ती से फॉर्म भरने को लगाया है तो जाहिर है कि उसको टिकट उन्होंने दी है। 12 लोगों में उनका भी समावेश था, 12 लोगों में उनका भी समावेश था, निश्चित ही है। लेकिन थोड़ा सा हमारी अभी जो भी हमारे कार्यकर्ता है हमको डिस्कशन करके ये सब करना पड़ेगा विचार विमर्श के बाद। आप में भ्रष्टाचारियों की भरमार है, ये लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं ये गिनवाते। आशा भयंकर ने निर्दलीय चुनाव लड़कर आपकी उम्मीदवार भावना वासनिक के उम्मीदवारी पर झाड़ू चलाने का जाहिर ऐलान किया है। जो आम आदमी पार्टी की जो फेरबिलिटी थी, वो फेरबिलिटी के हिसाब से भावना ताई को टिकट नहीं मिली है। जो मुद्दे थे कि आप कभी चुनाव लड़े क्या, वो कभी चुनाव लड़े नहीं है, कभी चुन के आए नहीं, उसके बाद में आप कितना खर्चा करोगे पार्टी के वास्ते, वो एग्रीमेंट में उन्होंने लिख के नहीं दिया। उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है क्या है ये लिख के नहीं दिया। और हमारा जो भी एंट्री हो गया वो एंट्री के हिसाब से वहाँ पे टिकट का निर्णय नहीं लगा है, सिर्फ लग्गे से टिकट का निर्णय लग गया। 12 लोगों में ये मैम का नाम था ही नहीं, आखिरी तक उनके पापा ने ये बोले कि हमारी बेटी चुनाव नहीं लड़, फिर ये टिकट मिली कैसे, हमारा ये क्वेश्चन है। 12 मेंबर में से आप किसी को भी टिकट, ये इंसान को टिकट मिली कैसे, हमको ये आंसर चाहिए।